अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज है चांद रात और आज मैं मिनाहिल के मेहंदी लगा रही हूँ। भाई बच्चियों की तो यही खुशी होती है, भले बड़ों के ना लगे मगर इनको बहुत शौक है मेहंदी का। तो यहाँ पे मैं इनके मेहंदी लगा रही थी। तो जी ये देखें, क्लोज करके मैं दिखाती हूँ। सब बच्चों को शौक हुआ था, उवैस ने जो है यहाँ पे ईद मुबारक लिखवाया है, मिनाहिल ने जो है मिनाहिल के मैंने मेहंदी बहुत प्यारी लगाई थी, और ये मास के छोटे छोटे शिहाद, ये देखें भाई वाह। ईद मुबारक। तो उवैस मिनाहिल ब्लॉग्स की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा, तो यहाँ पे मेहंदी मिनाहिल के लग चुकी थी और ढेर सारा काम जो है मेरे लिए रखा हुआ था। मैंने कहा पहले मैं इनके मेहंदी लगा दूँ, फिर ये सो जाएंगी, तो बाद में मैं जो है दूसरे काम निपटाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, उवैस मिनाहिल व्लॉग्स की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी अब मैं 7 बज रहे थे तो मैं किचन में आई, मैंने कहा चलो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। रात में काम बहुत था और व्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलो वही व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शीर कौरमा जो है दूध पकने के लिए चढ़ा दिया था। यहाँ पर ये जो है सब काट के रखे हुए थे मेवे, जो इसमें डलने थे इनको हम रोस्ट करके डालेंगे, तो बाद में दिखाएंगे। अभी हस्बैंड और बेटा जो है मेरा नमाज के लिए गए हुए थे, बाकी बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है कुर्बानी का वक्त हो गया था, कसाई हमारे आ गए थे, तो बकरे हमारे छत पे बंधे हुए थे। अब बकरों को नीचे लाया जा रहा था, तो बकरे जो इतने अड़ियल हमारे थे, तो शायद जानवरों को भी पता चल जाता है इस चीज़ का, तो बकरे जो है वो नीचे ही नहीं उतर रहे थे। खैर जैसे तैसे उनको नीचे उतारा। अब आप लोग देखिएगा, वैस पीछे से धक्का दो उसको, हल्का सा वैस, हाँ चलो धक्का दो, हाँ चलो, मतलब डर रहे हैं क्या? अरे बाहर के दरवाजे किसने बंद? मैंने नहीं खुला हुआ, तुम धक्का मारोगे खुल जाएगा, कुंडी नहीं लगी हुई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी यहाँ पे हो चुकी थी और बकरे जो हैं वो कट के आके अब भगोने में जो हैं स्टू की सूरत में भूना जा रहा था बकरों को। यहाँ पे मटन स्टू बनाया था, मज़ेदार सा यमी सा जो कि बन रहा था, और कलेजी वगैरह जो है वो दिन में बन चुकी थी। और काम जो है बकरा ईद पे आप लोगों को पता है इस ईद पे बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बस ये छोटा सा व्लॉग बनाए वीडियो बन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।